स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, कैसे हैं बच्चों आप सब? बच्चों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग योर रिजल्ट डेट। हालांकि मैंने कल आपको बताया था रिजल्ट डेट के बारे में, लेकिन ये न्यूज़ जो है वो इंडिया टुडे की है। कुछ न्यूज़ जो होते हैं ना मीडिया, वो थोड़े से ऑथेंटिक होते हैं। इंडिया टुडे इज़ वन ऑफ देम। तो इंडिया टुडे की तरफ से ये खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं रेगुलर बेसिस पर कि मई 7 को रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे हैं आप सब, वो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाते हैं परेशान कि क्या सचमुच आएगा, खासकर 12th के बच्चे जिन्होंने अभी JEE का एग्ज़ाम दिया ही है, नीट के एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं, तो 7 तारीख को उनका नीट का भी एग्ज़ाम है, CUET वाले हो रहे हैं। तो इस सब के बीच रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक कर रहे हैं, डरे हुए हैं, थोड़े थोड़े दो दो नंबर के लिए डरते हैं कि 17-18 आ रहे हैं, क्या हम पास होंगे या पास नहीं होंगे। तो चूंकि ये इंडिया टुडे की खबर है और कुछ ऑथेंटिक मीडिया भी अब ये बात कहने शुरू कर रही है, पहले तो ऐसे लोकल मीडियाज और उतने ऑथेंटिक नहीं थे जो कह रहे थे 5-7, हालांकि अब ये कह रही है, तो हम इस पर पूरी तरीके से विश्वास तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा हम लॉजिकली चलते हैं। तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कॉपी चेकिंग अब आपकी हो गई है। तो अब CBSE क्या करती है ना, बहुत सारी चीजें इन बिटवीन होती है। अब क्या है कि देखो, इतने सारे बच्चों के थ्योरी के मार्क्स हैं प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, ठीक है, ये मिलाकर के आपका स्कोर कार्ड बनेगा। स्कोर कार्ड बनने के बाद टॉपर्स लिस्ट जनरेट होती है। अब टॉपर्स की जो लिस्ट होती है ना, उसमें अब 10th के 3 टॉपर होंगे, 3 टॉपर 10th के होंगे। 12th में भी 3 स्ट्रीम्स है ना, साइंस है, कॉमर्स है और ह्यूमैनिटीज है, इन सब के 3-3 टॉपर होंगे, यानी कि 12 बच्चे होंगे जिसकी लिस्ट जनरेट होनी है। तो इतने काम में हम एक अंदाजा ये लगा रहे हैं कि CBSE को 2 हफ्ते लगने चाहिए, 2 वीक्स आर सपोज टू बी देयर। अब इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए स्कूल ने जो है वो मेल्स, स्कूल को मेल्स मिली थी CBSE की तरफ से, लेकिन CBSE बीच में अभी बताती नहीं है, क्योंकि मान लो वो एक डेट दे दे और कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि देयर आर एंड नंबर ऑफ स्कूल, 38 लाख बच्चे हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो CBSE को फिर अपनी बात से मुकरनी पड़ेगी। तो इस वजह से CBSE ने अपनी एक कोई डेट नहीं दी है, ना ही कभी कोई डेट देते हैं CBSE। वो रिजल्ट से 1-2 दिन पहले आपको बता सकते हैं या उसी दिन बताते हैं जब वो फुल प्रूफ तरीके से तैयार होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये इस न्यूज का ये कहना है कि CBSE अथॉरिटीज से इनको पता चली है। अब वी एक्चुअली डोंट नो कि एग्जैक्टली किस हद तक सही है, बट फिर भी ये बात तो मैं कहूंगी कि 7 को फिर भी नहीं आएगा। ये खुद ही बता रहे हैं कि 38 लाख बच्चे अपियर हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट आपका एंड ऑफ दिस वीक नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मिड ऑफ मे, तो हम मिड मे अभी भी एक्सपेक्ट करें कि 7 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब देखो 15 तक रिजल्ट अब आ जाएगा। जैसा कि हम कह रहे थे 15 के बाद, मैं भी आपको कह रही थी, जैसे कि MP बोर्ड ने कहा कि 23 के बाद वो रिजल्ट जनरेट करेगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि 23 तक CBSE करेगी। तो अब ऐसी न्यूज जो कि ऑथेंटिक मीडियाज है उनके थ्रू मिल रही है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि मिड ऑफ मे तक तो डेफिनेटली रिलीज हो जाएगी, क्योंकि CBSE काम तो बहुत फाफाजाट मोड में कर ही रही है। बट आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं, ग्रेस मार्क्स है, मॉडरेशन पॉलिसी है, अटेम्प्ट के नंबर मिले हैं, स्टेप मार्किंग हुए, तो अगर कोई बच्चा 17-18 नंबर लेके आ रहा है ना, तो उस बच्चे को डरने की बिल्कुल नीड नहीं है, आपको CBSE 100% पास करवाएगी। तो आप में से कई बच्चे बोलते हैं बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कोई पूछ रहा था 5 को रिजल्ट आएगा क्या होगा, तो 5 या 7 को मैं अभी भी कहूंगी कि रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 1 हफ्ते में बन नहीं सकता रिजल्ट, दैट्स अ फैक्ट। अब ये मीडिया कह रही है, ये मीडिया उतनी गलत नहीं होती क्योंकि इंडिया टुडे है, तो फैक्ट इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि इंडिया टुडे वाली कटआउट्स कई बच्चों ने मुझे भेजी है कि ये न्यूज वाले ऐसा कह रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली ऑथेंटिक। बट ये स्टिल 7 का 15 होगा, 7th May, 23rd May या फिर उसके बाद नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए कि मिड ऑफ मे में पक्का अब आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप अ क्लोज वॉच। अब ऑब्वियस सी बात है कि CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखना, कल मैंने आपको बताया था कि फेक वेबसाइट्स बन रही हैं और कई बच्चे उस ट्रैप में फंस के पैसे भी डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर बहुत से बच्चे डरे रहते हैं ना, कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट है, कुछ बच्चे 90+ के लिए डरे होते हैं, कुछ बच्चे 80+ के लिए, कुछ 60+ के लिए और कुछ पास होने के लिए, तो हर के अपने अपने डिमांड्स हैं, डिजायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको फुलफिल करने के चक्कर में क्या करते हैं ना, आप देखते ही नहीं है वेबसाइट के एड्रेस में है क्या लिखा हुआ, कि सेम है या थोड़ा सा डिफरेंट है, इंटरफेस सेम है या डिफरेंट है। इंटरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, CBSE का लोगो है वहाँ की नहीं है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और खैर, लोगो कहीं पे ऐड करना इट्स नॉट अ बिग थिंग नाउ डेज, डिजिटल इंडिया है अब,
तो बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपने जो डेटाज है उसके साथ आप रेडी रहिए। डिजी लॉकर पर अपने अकाउंट जरूर बनवाइए, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन जो साइट होता है वो क्रैश हो जाता है, और क्रैश होने के बाद आपको रिजल्ट देखने में काफी दिक्कत होगी। तो इस वजह से अगर आपका डिजी लॉकर वगैरह पे अकाउंट होगा तो आप रिजल्ट फटाफट देख सकते हैं। रिजल्ट मतलब कहने का ये मतलब कि रिजल्ट तो अब आना ही है, अब चूंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो आप रिलैक्स रहिए, प्रे टू योर गॉड, अपने ऊपर वाले से प्रे कीजिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। डरने घबराने की नीड नहीं है, डर को दूर करो। सो दिस इज द, मैं आपको बस यही बताना चाहती थी, इंडिया टुडे की एक खबर है जिसपे काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने इसके लिए आपको समझाने की कोशिश की कि 7 मई को नहीं आना चाहिए, बट यस 7 नहीं तो 15 तक तो अब लग रहा है कि आ जाएगा। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग योर रिजल्ट डेट फ्रॉम इंडिया टुडे। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।